शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए लाहौर जा रहे हैं। फैसलाबाद के लोग जो कि बिजनेस कम्युनिटी है, यहाँ पे मजदूर तबका भी है और यहाँ पे बिजनेसमैन भी है, इंडस्ट्रियल लोग भी हैं, सबसे बात करेंगे कि क्या वाकई इस बात में सदाकत है कि इन तमाम मुश्किलात का हल जिनसे इस वक्त हम नबर आजमा हैं उनका हल नवाज शरीफ के पास है। आइए इनसे बात करें। जी जनाब, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ही हूँ लाइन लग गई है, कैदी नंबर 4470 से कैदी नंबर 804। यानी कि प्रोग्राम है जाने का, लेकिन जाके तुसी पूछना है, क्लास लेनी है। हां जी, चित्र प्रो ली है और कुछ नहीं है ना। अच्छा, यानी कि फैसलाबाद के कितने लोग ने जिन्हें दा ये मूड है कि उन्होंने पूछना जाके भी 4 साल से तुसी साडे बात नहीं पूछी। हर बंदा ही तंग है जी, हर बंदा ही तंग, हर बंदा ही तंग है इनना तो। अपनी कुर्सी मारे गरीब नु बहुत पीसता हैगा इन्होंने। अच्छा, बहुत पीछे छोड़ता, कह लो जी कि 20 साल पीछे छोड़ता आम नु इन्होंने। 21 तारीख को वो शख्स पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं जिनके पास तमाम मसाइल का हल है, जो इंशाल्लाह तमाम जो इस वक्त मसाइल दरपेश है पाकिस्तानी कौम को, उनका हाल उनके पास है। ये मैं नहीं, मुस्लिम लीग नून के जितने भी लीडर्स हैं वो जलसों में कह रहे हैं। आप इस फलसफे पे कितना यकीन रखते हैं? मैं इस फलसफे 100% गलत है ये फलसफा। फलसफा जो दुरुस्त है वो जो अल्लाह ताला की जात पे यकीन रखना चाहिए। हमने हमेशा से इन लीडरों के ऊपर जो है वो कॉन्सेंट की जाती है, ये नहीं करना चाहिए, अल्लाह ताला की जात के ऊपर करना चाहिए और उसी से मदद मांगनी चाहिए कि या परवरदिगार आलम तू ही हमारी मदद फरमा। जो हालात इस वक्त दुनिया के हो चुके हैं और पाकिस्तान के, खासकर गरीब आवाम के, अगर हम ये सोचेंगे हम तो बिल जमा करा लेते हैं, गरीब आदमी ये मेरे शाह साहब है, ये 50,000 रुपए इनको बिल आया, ये कैसे जमा करवाएंगे? अच्छा, ये खालस नून लीग के कारकुन है, पुराने कारकुन है, खालस खालस बगैर किसी। और ये मैंने मैं उनको बार बार कहता रहा हूँ कि आप बिल कैसे जमा कराते हैं, और ये भी इस वक्त यही कह रहे हैं, ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं नून लीग के, मतलब जो कि मैं आप बेरोजगारी कि एक या दो गेड़े लगने प्रॉब्लम 40 रुपए घटाया, चलो मजदूर बंद को रिलीफ मिले ही मिले, ठीक है ना। बत्ती बहुत परेशान है, हर बंदा बत्ती बहुत महंगी है, और 2.5 रुपया फिर यूनिट उन्हें बताता वा, 100 यूनिट चले 5-5-4 हज़ार रुपया तक, तो गरीब बंदे ने बहुत करना वा। नहीं, हम तो 21 तारीख जा रहे हो और नासिक का इस्तकबाल कर रहे हैं, अल्लाह सारे तरह ही, अगर सारी पार्टी गई तो लाजमी जावे नाल जी, नाल ही जा। और तुम्हें लगता है कि उन्होंने कुल सारे मसाइल का हल मौजूद है? ये तो हम वक्त के नाल है जी, हम देखो अल्लाह चंगी करूगा जो भी करूगा। बस देखिए, 4 साल बाद एक ना मीडिया से आवाम से एक इश्तेहार चल रहा है कि ऐ सियासतदान है, दिस इज योर लीडर, और इसके पास सारे मसाइल का हल है। ये कब तक काम, 75 साल से यही फिल्म चल रही है। अगर उनके पास कोई मसाइल का हल होता तो अपने भाई को दे देते, शबाज शरीफ को दे देते। हाँ, उसको बता देते 17 महीने वो रहा है ना, वो मसाइल हल कर देते। हाँ, उन्होंने तो मसाइल स्थान बना दिया पाकिस्तान को जनाब। अच्छा, अब एक दोस्त का कहना है कि सऊदी अरब में नवाज शरीफ साहब ने कदम रखा है और उनके कदम रखने से 40 रुपए तेल नीचे आ गया। नहीं 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 नहीं, ये 58 रुपीज बढ़ा के 40 रुपए नीचे कर रहे हो यार, ये को बात है ज्यादती कर रहे हो आपके साथ। अब हम पागल है, हम पागल है, हमें नहीं पता कहाँ से कहाँ 150 से ऊपर लेके गए हो, 150 में लेके आओ और कर रहे हो दारो मुल्क के, जो असल असल हालात बना दिए आपने, कर रहे हो उठा उठा के मोटरवेज बना दी, सड़कें बना दी, ये क्या कर दिया वो कर दिया, ये किया हमारे किस काम की? 6 माह बाद सड़क टूट जाती है, अरबों रुपए ये खा जाते हैं सड़कों के फंड में। हाँ, ये भी जाते जाते मियां साहब 1-1 अरब रुपया पकड़ा के गए हैं वो। हाँ, तो अपने MNS को। हाँ, वो कहाँ जाना है? अब दावत दावत वलीमा होती है और उसमें वलीमे में वो खाना खिला के तो बंदे इकट्ठे किए जाते हैं, बंदे कहाँ से आए? बंदे नहीं जा रहे, बंदे कहाँ से आए? लोगों का इत्माद उठ चुका जी ना, बिल्कुल उठ चुका, बिल्कुल 2 रुपए की भी रोटी खाती, वो बंदा जान लगे सानू 150 की 20 रुपए की रोटी ने कर गया।
ਬਿਸਮਿਲਾ ਨੀ ਕੀਤੀ ਤੋ 4000 ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਫੜਨਾ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨੀ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਚੋ ਪੈਸੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਬਾਂਟਣੇ ਕੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਕੋ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾ ਰਹੇ ਆਪ ਇਸ ਫਲਸਫੇ ਕਿਤਨਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਮੈਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਚਿਰੋਟਦਾਰ ਕਾ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਹਾਂ ਤੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਵੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 70 ਰੁਪਏ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੋ ਕੱਲ ਰਾਤ ਕੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਗਾ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 40 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਰੱਖਾ ਜੀ ਜੀ ਤੋ 40 ਰੁਪਏ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ 40 ਰੁਪਏ ਅਭੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਭੀ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਭੀ ਕੰਮ ਵੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਚੋਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਏਗੀ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਭ ਤਾਜਰ ਤਾਜਰ ਕਰਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਤੇ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛਾ ਇਹ ਆਪ ਕੋ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅਭੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਮੇਂ ਕਦਮ ਰੱਖਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ अच्छा जब वो कदम रखेंगे पाकिस्तान में तो आपको लगता है पेट्रोल इंशाल्लाह आप पेट्रोल नहीं हर चीज आपको और नजर आती है आपको नजर आएगी इंशाल्लाह क्या बात इंशाल्लाह अच्छा दूसरा ये मुझे बताइएगा कि जो उनकी तबीयत पहले खराब थी दिल के काफी मसाइल थे आपको लगता है कि वो अब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह देखे जी बीमारियां सबको बता के नहीं आती होती खुशी गमी सब कुछ साथ आता है अल्हम्दुलिल्लाह काफी आगे बेहतर है इसलिए अपने मुल्क की हफाजत के लिए बिलाग के लिए पाकिस्तान वो आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि उन्होंने देखा था कि हमारा मुल्क खत्म हो रहा है जिसकी वजह से दोबारा पाकिस्तान में ना माशाल्लाह वो आ रहे हैं और 21 तारीख को आपने क्या तैयारी की है हम जुमे वाले दिन हम जा रहे हैं तैयारी क्या की है तैयारी हम सूट को कॉटन का अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हमने अपनी मुकम्मल कबीना के साथ हमारे साथ मतलब शाही रसूल साहब है हमारे मैंने आप जल्दी साहब है हम उनके साथ साहब अपने क्लीनर के साथ जुम्मे वाले दिन हम निकल रहे हैं इधर से फैसलाबाद लाहौर के लिए रवाना हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह क्या बात है सुने ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਲਸਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੀ ਪਲੇਟ ਤੇ ਕੀਮੇ ਵਾਲੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਭਰ ਜਾਏਗੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਚੁੱਕੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਲੋਕ ਜਲਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਹੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹਾਂਜੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਮੈਂ ਜਾਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਲੈ ਖਾਵਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਰਿਆਨੀ ਵਾਲਾ ਅੱਛਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੂਰ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਬੰਦੇ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆ ਗਏ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਗਿਆ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ ਕਦੀ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਜਿੰਨੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਆ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਆ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਮਸਲੇ ਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਆ ਅੱਛਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਚਲਾਣਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਘਰੋਂ 4 ਵਜੇ ਲੱਗੇ ਆ ਅੱਛਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਨਾ ਡਾਊਨ ਹੈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੀ ਜੀ ਇੰਨਾ ਡਾਊਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਖੋਤੇ ਔਰ ਬਿਸਮਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਹੁਣ ਬਿਸਮਿਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ 21 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਕਦੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਆ ਗਿਆ ਕਦੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੀ ਆਇਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਡੇ ਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਹੱਲੋ ਕਰ ਲੈਣੇ ਇਹ ਜੀ ਅੱਲਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਾਏਗਾ ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਵਜੇ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਬਿਸਮਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ अच्छा इस वेले जिहड़ियां चीजां तुसीं दसियां आटा उटा ये वो सारा कुछ महंगा हुण डालर डिगणना पेट्रोल डिगणना बाकी चीजां ते कोई असर नहीं है मतलब आटा 150 नूं आ जां ते 150 नूं होवे अच्छा तुसीं किन्ने फैमिली मेंबर है तुहाडे मेरे मेंबर आ मेरे को एक बच्ची है बेवा अच्छा 4 बच्चे एक बच्ची 5 जने ओ हां 6 जने असीं किन्ने होवे 11 जने 11 मेरे को रक्षा वा अच्छा ਰਕਸ਼ਾ ਵਾ ਰਕਾਪੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲੋ ਕਿ ਬਿਸਮਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚ ਆਇਆ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਕੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਲਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਆਓ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਲਕ ਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੌਬਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੌਬਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਦੂਰਵਾ ਸਭ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਰਹੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸੌਰੀ ਕਿਉਂ
सब ब्रांडेड ढिड भर गया है। आपने ढिड पाना बच्चा ढिड किन्ने भरना है? अच्छा सर कमावा बड़े ढिड भरूगा ना कारोबार है मजदूरी वास बार दुकान से बैठे रही वा सू बेरा मिलेगा 50 रुपए का ड्रमा निकल सरकार गुमटी पाकिस्तानी नहीं है क्यों नहीं है इथे तुखम हो गए इथो कारोबार इथो खा पी के पाकिस्तान क्यों कह रहे पाकिस्तानी है? अच्छा तुम्हारी नाराजगी की वजह है? हां जी नाराजगी है। पाकिस्तान ने क्या किया जनाब? हां जी पाकिस्तानी नहीं है। अच्छा क्यों नहीं पहले देखो ना इथो मराव शरीफ साहब का पिछला बैकग्राउंड देख लो दादे पर देख लो इथे पाकिस्तान सी पहला वाला पंपा का काम सुनिया जी पंपा का काम सी इथो पाकिस्तान कमा के आगे गए शुगर मेला बनाईया इंडिया शुगर मेला थानू कहंदे इंडिया का दुश्मन मुल्क है इश्तेहार चल रहे ने यादगार लोग क्या जा रहा आ जाओ और आओगे तो फिर जाहिर है बंद ने ही आना। अच्छा दूसरे बंद ने नहीं आना अभी नहीं जा सकते पार्टियां ने जाना मान लो बिल्कुल ही उम्मीद नहीं क्योंकि कोई चार साल बाद तीन साल बाद पाकिस्तानी आवाम को दसा जाता है बंदा भाई इतने भाई ओरी धी इत पोजिशन देख लो दो रुपए की रोटी मैं आप लिया समाल स्टेट इस वे जो गया वा आटा 150 रोटी भी यही बंदा 2 रुपए की रोटी भी खाधी 2 रुपए की भी रोटी खाधी बंदा जान लगे सानू 150 की 20 रुपए की रोटी कर गया जिन्हें 50 साल कुछ नहीं किया 60 साल कुछ नहीं किया हम देसी लावे को गंदा लावे बोला तो मेरे माड़ी गल लफ्ज़ ना बोलो तुसी नहीं माड़ी गल दिल च गाल काढ़ लो सामने कटन भी तैयार जे तुसी सेंसर ना करो ते जे सेंसर ना करो ते अच्छा बात है अल्लाह लियो असि इन्हां नू की करना साडा नाल कोई तलक नहीं असि जिन्ने भाई खलोते इस टाइम अद्धे ना ज्यादा बेरोजगार खलोते आ असि उन्हें आए नू की करना जो जरूरत सी सानू जरूरत सी भज गया भज गया अज जदी जेबी खाली तो फिर पाकिस्तान आ रहा। अच्छा इधर भरेगी फिर चल जाएगा। अच्छा फिर चल जाएगा क्या बात है उन रख सकता नहीं रख सकते चिन्नी कितने कीमत कितने इतना वोट को इज्जत दो आज इज्जत कितने गई क्योंकि जो हम जलसे हो रहे ना उसमें मरियम बीबी या शहबाज शरीफ साहब राणा सनाउल्ला साहब सारे गल करते हैं कि जनाब उस सारे मसाइल का हल लैके आ रहा है हल लै गया घोला नहीं चरा के हल लैके आ गया जो कोई हल से उन्हें नहीं खलोता जो लोग महंगाई जी पीसे गए अज सू कि मुहे शक्ल दिखाई देसी घी का पका के तकसीम किया था चौक घंटा घर में हम खिलाने वालों में थे खाने वालों में नहीं थे। अच्छा यानी कि ये जो पाकिस्तान के साथ नेकी हुई है इसमें आपका भी हाथ रहा। हाँ जी ये हमारा भी अल्लाह तआला से माफी मांगते हैं। चलो दोनों गलतियों की दूसरी गलती भी हुई थी दूसरी भी दोनों गलतियां एक जैसी हुई असेसमेंट सही बिल्कुल गलत अल्लाह तआला के ऊपर यकीन तौसीक परवरदिगार से आलम परवरदिगार आलम से दुआ मांगते हैं ये अल्लाह तू ही को भेज दे क्या बात कोई गुलाम भेज दे कोई सैयदना अबू बकर सदीक जैसा क्या बात कोई उम्र फारूक जैसा कोई मौला अली शेर खुदा जैसा थोड़ी कोई भी देखो जर्रा ही हो उनका जर्रा ही हो तो इंशाल्लाह को तालीमात पे अमल करने वाले हो को आ जाए कुछ मुल्क की हालत सवर जाए गरीब आदमी भूखा मर रहा है जो हालात बन गए बहुत ज्यादा परेशानी है बहुत ज्यादा परेशानी है हम तो फिर भी सोचे ना गरीब आदमी की तो नींदें उड़ गई है।